भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा जगदीशपुर पहुंची, जहां उन्होंने इस्लामपुर का नाम जगदीशपुर होने पर काफी खुशी जाहिर की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को आजादी तो मिल गई है, लेकिन आजादी के बाद कई लोगों का डीएनए चेंज हो गया है। देखने में तो लगते हैं, लेकिन वे होते नहीं है। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने दिग्गी के ट्वीट पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। साध्वी प्रज्ञा ने रामचरितमानस फाड़ने वाले मुद्दे पर कहा कि भारत को आजादी तो मिल गई है, लेकिन आजादी के बाद कई लोगों का डीएनए चेंज हो गया है। देखने में तो लगते हैं, लेकिन होते नहीं है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। साध्वी ने मौलाना मदनी के बयान पर कहा कि उन्होंने अपना बयान बदला है और उन्हें बदलना पड़ेगा। प्रज्ञा ने कहा, धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। मदनी क्या कहेगा, भारत तो अनादि है, क्या कोई भारत का डेट ऑफ बर्थ बताएगा, इनका धर्म है ही नहीं। प्रज्ञा ने कहा कि मदनी ने जाहिल शब्द का प्रयोग किया है, अपशब्द कहे हैं, जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सेना को लेकर ट्वीट पर कहा, उस व्यक्ति की बात मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें सिर्फ देश की बदनामी करवाने के लिए कांग्रेस ने स्थायी कर रखा है। बस मैं इतना कहूंगी कि देश की बदनामी, देश का मनोबल कम करने के लिए, हमारी इंटेलिजेंस का मनोबल कम करने के लिए, देश की सुरक्षा का मनोबल कम करने के लिए उस व्यक्ति को बैठा रखा है जो हमेशा पट्टू जैसे बोलते रहते हैं। वहीं प्रज्ञा ने सोनिया और राहुल को सलाह देने की बात पर कहा कि उनकी पार्टी में किसको सलाह दें, पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। उन्होंने कल बयान बदला है, उनको बयान बदलना पड़ा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों में धर्मगुरु, सभी धर्मगुरु बोले, सभी उसके पंथों के धर्मगुरु गए नहीं। सनातनी धर्म सनातन है, बाकी सब मत और पंथ हैं। इसलिए धर्म तो एक ही है वहाँ, इसलिए सर्वधर्म हो ही नहीं सकता, सर्वपंथ तो हो सकता है जो संविधान की भी भाषा है। और इसलिए ये जो मदनी क्या कहेगा, अनादिकाल से भारत का कोई जन्म डेट ऑफ बर्थ बता सकता है नहीं, क्योंकि ये अनादि है। और इसलिए इनकी जो गलत फहमी है वो हमेशा से दूर होती रही है, होती रहेगी। सांसद प्रज्ञा ने कहा कि जगदीशपुर के लोगों की एक ही डिमांड थी और उनका कहना था कि इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर था और पुनः जगदीशपुर हो जाना चाहिए, जिस पर मैंने उस प्रांगण में वचन दिया था कि हाँ मैं यह करवाऊंगी। साथ ही यहाँ की जनता का एक बड़ा विश्वास था, उन्होंने कहा था कि आप जीतोगे और ये काम आपके द्वारा ही होना है, और मैंने उन्हें आश्वस्त किया था। और आज जगदीशपुर का वैभव फिर से लौटा है और देश में गुलामी का प्रतीक जो नाम रहा है उसका इतिहास 300 साल बाद बदल गया है। आज जगदीशपुर आजाद हो गया है, यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई। वहीं इस दौरान साध्वी ने कहा कि हमने भोपाल में भी कई जगहों के नाम बदले हैं और हमारे लोकसभा क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं उनमें कुछ कलंकित नाम है जो मुगल काल से लगे आ रहे हैं, उन्हें परिवर्तित करने के लिए हमारे पास लोगों के पत्र आ चुके हैं और मैंने ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। वहीं किले में काले कपड़े और बुरका पहनकर आने वालों की रोक पर कहा कि किला जब ढहता है तो कई कीड़े मकौड़े निकलते हैं, तकलीफ होती है मगर अब शुभ हो रहा है। मुगल काल से लगे आ रहे हैं, उनको सबको परिवर्तित करने के लिए हमारे पास लोगों के पत्र आ चुके हैं और मैं ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी, आते जा रहे हैं, जब होते जाएंगे और आप देखते जाएंगे। अब उन्होंने, हो सकता है कि देखिए पुराना ढांचा जब गिरता है तो उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े बैठे रहते हैं, वो भी उनको भी तकलीफ होती है, पर कुछ नहीं, उसके साथ वो भी ढह जाते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ और शुभ और शुभ हो रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।